हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका टाइम टेबल आ गया है, 8 दिसंबर को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है बीपीएससी टीजीटी 2023 का। और जैसा कि अब आपके पास 12-13 दिन का बस टाइम है और मैं आपको सभी चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करा चुकी हूँ एंड क्लास 11-12 का भी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ मैराथन क्लास के माध्यम से। तो दोस्तों, सभी कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अंतिम में मैं आपको 14 प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जिसमें से यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है एंड ये प्रैक्टिस सेट 2 है। और इस प्रकार आप 14 प्रैक्टिस सेट परीक्षा से में जाने से पहले आप देख लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। चाहे आप ईएमआरएस का तैयारी करते हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी या ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। तो आचरण विज्ञान, आचरण और मानसिक प्रक्रिया का ये सब अध्ययन किया जाता है किसमें? मनोविज्ञान में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान। एंड मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो शारीरिक संरचना यानी कि शारीरिक वसा को मापता है स्किन फोल्ड कैलिपर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए कथनों में से खेल किसी से खेल की दावा की व्याख्या नहीं होती है। तो दोस्तों, कार्य निष्पादन में को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक एक खेल को प्रभावित करती है। एंड घायल एथलीट का उपचार और पुनर्वास भी, किसी व्यक्ति को खिलाड़ी में रूपांतरित करना भी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है, खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को विकसित करना, ए खेल की दावा को की व्याख्या नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 4 है, सीबीएसई द्वारा स्थापित चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्तियां कब से दी जा रही हैं? तो यह जो है चाचा नेहरू खेल पुरस्कार की स्थापना जो है 2005 से में हुई है और 2005 से ये छात्रवृत्ति दी जा रही है। ठीक है, एंड ये छात्रवृत्तियां कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को सीबीएसई द्वारा अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में उपलब्धियों के आधार पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना 3 अगस्त 1987 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, जीव का अध्ययन बायोलॉजी और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पर स्थित है? तो यह चैल भारत में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट होगा, चैल भारत, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चैल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह समुद्र स्तर पर 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मैदान वर्ष 1893 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। वर्तमान में यह मैदान चैल मिलिट्री स्कूल और भारत सरकार के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सबको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को दिखाई नहीं देता है, और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि हरा लाल रंग देखने में दिक्कत होता है, मोतियाबिंद होता है, मतलब तो जितना आंखों से एक्जिरोथर्मिया होता है यानी आंखों से रिलेटेड जितना भी रोग है सभी होता है विटामिन ए की कमी से। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो सीखना कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो सीखना एक क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा आसन सारे योगासन करने के
अंत में किया जाता है, तो आप सबको पता है शवासन किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों स्वादिष्ट भोजन, संतुलित भोजन, खेलकूद, ये सब तो कारक हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ज्यादा होगा, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध ये प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोना किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों लोना जो है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। मैं प्रैक्टिस वन में जो है जो आपका कबड्डी में बोनस होता है, जो ग्राउंड में अगर विपक्ष में 6 खिलाड़ी उपस्थित होते हैं तभी आपको बोनस पॉइंट मिलता है। बोनस पॉइंट के लिए 1 अंक दिया जाता है। मैं गलती से उसने 2 पॉइंट बोल दी हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अलोना का 2 पॉइंट दिया जाता है। जब अगले विपरीत टीम के सभी खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है तो अगले टीम को 2 अंक का लोना मिलता है, याद रखिएगा। अब बोनस पॉइंट 1 अंक का। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको पता है दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। तो इसको थार्नडाइक ने दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, कूनी घुटने यानी कि नी एंड एल्बो एंड नी ज्वाइंट किस प्रकार की संधि है। तो दोस्तों यह आपका कब्जा संधि यानी हिंज संधि है, जिसमें एक तरफ ही मूवमेंट हो सकता है, यानी कि एक अक्ष में गति होती है खाली। यह हमारे घुटने, कोहनी, उंगली, उंगलियों और निचले जबड़े में होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है आकर्षक व्यक्तित्व के निर्माण करने में, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करने में एंड उपरोक्त दोनों में आपका सहायक होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसमें लौह तत्व की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, और लौह तत्व की आवश्यकता उपस्थिति के कारण ही और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करता है, ऑक्सीजन को समस्त शरीर में पहुंचाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जा करके वहां भी ऊर्जा बनाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, स्क्रेप त्वचा या म्यूकस झिल्ली कहलाती है। तो त्वचा की बात आ गई, म्यूकस झिल्ली की, तो एब्रेजन होगा, इसमें रगड़ लग जाता है, लाल पड़ जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि सीटीएस का क्या अर्थ है। तो हमारे जो ओलंपिक मोटो है सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस एंड अब आपके उसके साथ कम्यूनेटर लग गया है, तो सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, कम्यूनेटर यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टूगेदर यानी और तेज, और ऊंचा, और बलशाली, एक साथ, ये आपका होगा। तो सीटीएस का अर्थ क्या होगा, और अधिक तेज दौड़ना, क्या हो जाएगा, और अधिक तेज दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है, जो हमारे कान है उसको क्या काम है। तो आपको पता है ये हमारे सुनने और संतुलन बनाने दोनों का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। हमारे जो कान में इंडो लिम्फ नामक द्रव होता है वो संतुलन बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है एंड डिग्री में आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है यानी फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है वंशानुक्रम एंड वातावरण, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, खेलकूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना। तो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना खेलकूद का, शारीरिक शिक्षा का क्या है, मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। फिजिकल, सोशल, मेंटल, ठीक है, इमोशनल, सभी प्रकार के विकास को ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो आप सबको पता है उर्वास्थि यानी फीमर जो है हमारी सबसे लंबी और बड़ी भारी अस्थि होती है, और सबसे छोटी हमारे कान की स्टेपीडियस होती है, और सबसे मजबूत हमारे निचले जबड़े की होती है। स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा क्या है। स्किनर ने सक्रिय क्या है, क्रियाप्रसूत सिद्धांत दिया है सीखने का।
जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। इनकी परिभाषा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या परिभाषा दिया है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किसने किया था? तो आप सबको पता है बैरन डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेल का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1896 ईस्वी में ओलंपिक के एथेंस के ओलंपिया नामक स्थान पर शुरू किया था, ठीक है, और उसमें 13 देशों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान जो है अमेरिका का था। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? तो आप समझ सकते हैं 100 मीटर ट्रैक ये ट्रैक वाली प्रतियोगिता है, भाला फेंक चक्का फेंक ये थ्रोइंग इवेंट है, कूद वाली जंपिंग इवेंट है लंबी कूद लॉन्ग जंप, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है? आप सबको पता है इसको कहते हैं इंट्रामुरल, और चार दीवारी के बाहर दूसरे संस्थान में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रतियोगिता आयोजित होती है तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रामुरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, घर से बाहर तंबुओं और झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? तो इसको शिविर बोला जाता है। आप सबको पता है कि इसको शिविर बोला जाता है, ठीक है, और जो है इसमें छात्रों को क्या किया था, एक समूह में घरों के संस्थानों से छात्रावासों से घर से बाहर वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उचित लक्ष्य के लिए ले जाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन है दोस्तों? तो विटामिन एंड खनिज लवण है, जबकि ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट एंड वसा है, और शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन्स हैं, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, बास्केटबॉल कोर्ट का माप क्या होता है? आप सबको पता है 28x15 मीटर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो लेडी रतन टाटा कप हॉकी महिला से संबंधित है, ठीक है। एंड लेडी रतन टाटा कप जो है यह राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप है, जबकि रंगास्वामी कप जो है राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी खपत होती है? वो होता है रनिंग, यानी कि दौड़ना में, दौड़ने में सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी आपका बर्न होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ है, 34, हाँ क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? अंडा भी है, मांस भी है, दूध भी है, बट आपका तेल जो है वसा का स्रोत है, प्रोटीन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है? तो दोस्तों जब हम श्वास लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े का आयतन हुआ है वो बढ़ जाता है, आयतन बढ़ता है तो फेफड़े के अंदर जो है दाब रक्त जो हवा का दबाव होता है कम हो जाता है, और वायुमंडल में बाहर है हवा का दबाव उच्च होता है, तो हवा गैसें या हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो जब हमारे अंदर फेफड़ों में दाब घटता है और बाहर उच्च दाब रहता है तो उच्च दाब से यानी बाहर से वायु अंदर फेफड़ों में आने लगती है, तो इस प्रकार इंस्पायरेशन यानी कि सांस लिया जाता है अंदर, तो यहाँ पे जो फेफड़ों का दाब होगा वो घटेगा, क्या होता है, घटता है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, खेल समाजशास्त्र का संबंध है, तो खेल समाजशास्त्र शब्द आए तो वहां समूह अवश्य रहेगा, समूह से के आपसी तालमेल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से स्पोर्ट का पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आत्म प्रतिष्ठा सबसे बड़ा सम्मान होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वास्थ्य यानी वेलनेस का महत्व है, वेलनेस का महत्व क्या है? वेलनेस का मतलब होता है आरोग्यता, हर प्रकार से मतलब फिट होना, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यह अच्छे जीवन यापन में क्या करता है, सहायक करता है वेलनेस। एंड क्वेश्चन नंबर 39 है, फेफड़ों की पालियों को इसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो जब हम श्वास लेते हैं तो ट्रैकिया यानी श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, यही ट्रैकिया जो है आगे चल करके फेफड़ों में दाएं फेफड़े में 3 भाग और बाएं फेफड़े में 2 भाग में बढ़ जाती है, वह श्वसनी कहलाती है, यहाँ पे श्वसनी यानी कि आपका राइट हो जाएगा ब्रांची। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो मनोरंजन गांवों कस्बों शहरों में रहने वाले के द्वारा नियंत्रित किया होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे औद्योगिक मनोरंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
41 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आप सबको पता है 206 हड्डियां पाई जाती है, एक्सियल कंकाल 80, अपेंडिकुलर जो है अपर लिम लोअर लिम मिला करके आपका 126, कुल मिला करके 206। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो दोस्तों इसकी स्टैंडर्ड माप होती है 400 मीटर ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 43 है, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त होती है? तो दोस्तों बैडमिंटन और टेनिस के लिए चुनौती यानी कि चैलेंज प्रतियोगिता उपयुक्त होती है। कौन सी प्रतियोगिता? चैलेंज प्रतियोगिता। चैलेंज प्रतियोगिता जो है दो प्रकार की होती है, लैडर टाइप यानी सीढ़ी प्रकार और दूसरा पिरामिड टाइप। पिरामिड टाइप भी दो प्रकार का होता है, किंग्स टूर्नामेंट एंड कार्प वेव टूर्नामेंट। कार्प वेव टूर्नामेंट को साइडर वेव विधि भी कहा जाता है। जैसे कि टूर्नामेंट जो है चार प्रकार का होता है, नॉकआउट, लीग या राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 44 है, एनसीसी और एनएसएस जैसे शिविरों का आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? तो एनसीसी नेशनल है यानी कि शासकीय एजेंसियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है यानी कि ऊर्जा उत्पादन करने वाला सेल? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो माइटोकांड्रिया में ही होता है और वहाँ पे कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है, जहाँ पे कुल मिलाकर के 36 ATP माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा 36 ATP का निर्माण होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है उसमें 2 ATP, कुल मिलाकर के एक ग्लूकोज के एक अणु के जारण से 38 ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुख्य संवेदी अंग कौन सा है? संवेदी अंग यानी कि सेंसरी ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रिया। तो 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा एंड ये क्या है आपके 5 ज्ञान इंद्रिया है। तो यहां राइट हो जाएगा आपका, नेत्र, कान, नाक, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो 639 पेशियां पाई जाती हैं, तो इसमें 639 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 600 से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? दोस्तों उन्होंने WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? 567 से 600 से अधिक होता है, 650 ग्राम। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे माना गया है आपका 625 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लार्डोसिस पाया जाता है, काइफोसिस, लार्डोसिस, स्कोलियोसिस, इसमें से काइफोसिस आपका जो पीठ के तरफ बाहर निकल जाता है कुबड़ा, जिसे कहते हैं काइफोसिस कहते हैं। लार्डोसिस हमारा कमर वाला भाग नीचे धंस जाता है और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, उसको लार्डोसिस बोला जाता है। और जो जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, कंधे दूसरे तरफ हिप दूसरी तरफ धंस जाता है, एस या सी की आकृति बनाता है, स्कोलियोसिस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लार्डोसिस पाया जाता है बुजुर्गों में, वयस्क महिला पुरुष में, शिशु बच्चे में या सभी उम्र के समूह में हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है, मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता यानी फिटनेस और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों कोई भी आप टेस्ट लेते हैं या परीक्षा लेते हैं तो लास्ट में जो परिणाम आप देते हैं तो किस रूप में देते हैं, कि इतना इसका नंबर है, इतना परसेंटेज है, संख्या के रूप में देते हैं, तो यह क्या राइट हो जाएगा, संख्यात्मक, ठीक है, क्या हो जाएगा, संख्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था? तो वे थे आदर्शवाद के संस्थापक हैं प्लेटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है,
विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है और यह RBC के निर्माण में सहायक होता है और इसकी कमी से एनीमिया पर्निशियस एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसके जुड़ा लक्षण क्या है? त्वचा का पीला पड़ जाना, मुंह में छाले पड़ जाना, दृष्टि से जुड़ी समस्याएं, यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिशील शक्ति के भाग हैं यानी कि डायनेमिक स्ट्रेंथ के भाग क्या हैं? डायनेमिक आपका आइसोटोनिक हो जाएगा डायनेमिक में, तो इसमें आपका अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहन शक्ति, यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, समपराशायी संकुचन को क्या कहा जा सकता है? समपराशायी यानी आइसोटोनिक की बात कह रहा है, तो आइसोटोनिक को हम गतिशील शक्ति यानी गतिक संकुचन, डायनेमिक कंट्रक्शन कहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आइसोटोनिक में जो है पेशियों की लंबाई छोटी बड़ी होती है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक दो प्रकार का होता है। कंसेंट्रिक में जब हम डंबल अभ्यास करते हैं तो हाथ को ऊपर की तरफ फ्लेक्शन करते हैं तो कंसेंट्रिक यानी कि मांसपेशी लंबाई घट रही है, जब नीचे की तरफ ले जाते हैं वापस तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ रही है, यानी इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगा। इसके विपरीत होता है आपका आइसोमेट्रिक में, जिसमें पेशी की लंबाई सेम टू सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिखलाई के नियम देने वाला है, तो सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों थांडाइक ने मुख्य सीखने के 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 57 है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो वर्तमान में 4 अंपायर होते हैं, 2 मैदान में होते हैं, 1 टीवी स्क्रीन पर होता है, 1 रिजर्व अंपायर होता है। क्वेश्चन नंबर ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है तो 5 होती है, आप सबको पता है नीला पीला काला हरा लाल 5 गोले होते हैं अंग्रेजी के डब्लू आकार की, ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ 3 और नीचे 2 होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 59 है, 60 कहाँ पे है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 60। पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेशीय विज्ञान यानी किनेसियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? गति का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 61 है, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो स्प्रेन और स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो आपको पता है कि जो प्राथमिक उपचार की जो फर्स्ट एड की तकनीकी है उसे RICE, ये 4 विधियां हैं, जिसमें से R से मतलब होता है रेस्ट, I से मतलब होता है आइस यानी बर्फ का प्रयोग करना, C से मतलब होता है कंप्रेशन यानी दबाव करना, E से मतलब होता है इलेवेशन यानी हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। तो सबसे फर्स्ट होगा आपका आइस यानी कि बर्फ का प्रयोग करना। तो यहाँ पे क्या किया है, स्प्रेन स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो किस विधि से किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? तो RICE, ठीक है, RICE पद्धति से किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एड्स का अर्थ क्या होता है? एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, टेनिस सर्विस किस खेल से संबंधित है? तो यह वॉलीबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना और उन्हें प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नेतृत्व। एंड क्वेश्चन नंबर 65 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? दोस्तों तो आप सबको पता है एक दूसरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं, यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यह जल दूषित, जल दूषित भोजन एंड कीटों के काटने से फैलता है, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ कवक आदि से। क्वेश्चन नंबर 66 है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो दोस्तों हड्डी का टूटना, दिल का दौरा, कैंसर, ये 3 संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, ये आपका वायरल बुखार जो है आपका संक्रामक रोग है।
क्वेश्चन नंबर 67 है, भोजन के मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन हम किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारी नई कोशिकाएं बनाता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? दोस्तों आपको पता है कि सफाई करने का कार्य लाइसोसोम करता है, लेकिन ब्लड में आरबीसी में लाइसोसोम होता ही नहीं है, कहाँ पे जाके मरता है? प्लीहा और यकृत में। तो यहाँ पे प्लीहा यकृत दोनों दिया है, तो प्लीहा राइट होगा। तो ब्लड बैंक की तरह कौन काम करता है? प्लीहा करता है। ये प्लीहा नहीं दिया रहेगा तो यकृत राइट होगा, और जो है गर्भावस्था में जो है ब्लड का निर्माण जो है प्लीहा या यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का अनुपात कितना होना चाहिए? तो सबसे ज्यादा आपका आप लेते हैं कम से कम 60-65% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 15-20% प्रोटीन लेते हैं, 25-30% आप वसा लेते हैं, यानी कि तीनों का अनुपात सबसे ज्यादा किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। तो 4:1:1 का अनुपात होना चाहिए, ठीक है, 4:1:1 का अनुपात होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 70 है, कहाँ पे 70 है? यहाँ पे है आपका 70, क्वेश्चन नंबर 70। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये सभी विधियां हैं, बट आपका प्रदर्शन विधि जो परफॉर्मेंस विधि है सबसे बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, श्वसन तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है और इसे श्वास नली भी कहते हैं। जैसे कि आप समझ गए, इसको हम इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। इसी के द्वारा जो श्वास होता है फेफड़ों तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को पटेला कहते हैं। इसी को हम बदल सकते हैं, कृत्रिम रूप से बदल सकते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय हड्डी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि दुर्घटना या किसी अन्य कारणवश या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसको हम परिवर्तित यानी कि रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। यह मानव निर्मित होता है जो कि मजबूत प्लास्टिक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि स्लेज पुटी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ भरा हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बर्साइटिस कहा जाता है। और टेनोसाइनोवाइटिस किसे कहा जाता है? टेंडन जोड़ों के पास टेंडन या साइनोवियल क्षेत्र में दर्द सूजन और चोट लग जाए उसे हम कहते हैं टेनोसाइनोवाइटिस। स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेन मांसपेशीय टेंडन की चोट को स्ट्रेन कहते हैं, और स्प्रेन जो है लिगामेंट की चोट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो आपको पता है 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, जबकि वसा में 1 ग्राम से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्टर्नम हड्डी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे बीच में स्टर्नम होता है, दोनों तरफ पसलियाँ ऐसे ऐसे जुड़ी रहती है, तो कहाँ पे होता है? तो पसलियों के बीच में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसलियों के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। तो आदर्शवाद का मतलब ही होता है सत्य सुंदरता और अच्छाई को तलाशता है। इसके संस्थापक हैं आपके प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के वजन का 2/5 भाग यानी 40% भाग बनाती है? जैसे कि हमारे शरीर के कुल वजन का पूरी मांसपेशी 45% होता है, उसमें से मांसपेशी 3 प्रकार का होती है, ऐच्छिक अनैच्छिक और हृदय पेशियां, जिसमें से 40% ओनली ऐच्छिक पेशी का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 78 है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को हम देख सकते हैं? तो दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है 4 प्रकार का होता है, नॉकआउट और लीग कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लीग कम नॉकआउट, ठीक है। 78 क्वेश्चन हो गया, एंड आप चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि हार्वर्ड स्टेट टेस्ट में व्यायाम का कुल समय 30 सेकेंड था तथा उसकी हृदय गति 1 से 15 मिनट में कितना है? 80 मिनट, तथा 2.5 मिनट में 70 होती है हार्ट रेट, 3 से 3.5 मिनट पर 60 होती है, तो बताइए फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? तो दोस्तों हार्वर्ड स्टेट टेस्ट जो आपका बनाया गया था 1943 में कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस को मेजर करने के लिए बनाया गया था, और न्यूसिन ब्रोहा के द्वारा। तो यह जो है इसको निकालने का सूत्र होता है,
कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे 100 अपॉन 2 गुणे रिकवरी हार्ट रेट। तो जितना आप 5 मिनट तक इसमें एक्सरसाइज किया जाता है किसी बेंच पर अप डाउन डाउन किया जाता है, तो 5 सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे 100, तो 5 सेकेंड में 5 मिनट में कितना होगा, 60 का गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, 300 सेकेंड कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 सेकेंड दे दिया है और 300 सेकेंड को हम 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। और हम 80 70 और 60 तीनों का हम जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा, गुणे 2 कर देंगे यानी कि 71.43 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 71.43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। तो दोस्तों काइफोसिस जो कुबड़ा होता है पीछे की तरफ, हमारा जो पीछे वाला भाग होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसे हम गोल कमर भी कहते हैं। ठीक है, गोल कमर भी कहते हैं, याद रखिएगा गोल कमर राउंड शोल्डर अलग है। ठीक है, राउंड शोल्डर आपके जो कंधे होते हैं बाहर की तरफ आगे की तरफ हो जाते हैं उसको राउंड शोल्डर कहा जाता है, यहाँ पे राउंड शोल्डर नहीं है गोल कमर है, राइट होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे। तो आप सबको पता है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरुआत करने वाले कौन थे, बैरन पियरी कुबर्टिन, इसलिए इनको आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रत्येक व्यक्ति की संहति का लगभग 99% भाग 6 तत्वों कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है। तो यहाँ पे 3 तत्वों का नाम दिया है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और 3 तत्व क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम। आंसर नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। तो दोस्तों हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन टिश्यू यानी कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, और जिससे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्लैंटर फ्लेक्शन गतिविधि मूवमेंट केवल होती है। तो ये प्लैंटर फ्लेक्शन गतिविधि मूवमेंट जो होता है टखने में होता है। ठीक है, यानी एंकल में होता है, यानी एंकल को मोड़कर व्यक्ति पंजे के बल खड़े होने का प्रयास करता है। ज्यादातर जिम्नास्ट एंड नर्तकों को ऐसा करते समय देखा जाता है। और प्लैंटर फ्लेक्शन जो है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, क्योंकि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो रेसिस्टेंस यानी भार होता है बीच में होता है, और फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सेस बीच में होता है, और थर्ड प्रकार के उत्तोलक में जो फोर्स आपका बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार श्वसन लेता है। तो आप सबको पता है 16 से 20 बार श्वसन करता है वह, लेकिन एक प्रशिक्षित व्यक्ति है तो वो 8 से 10 बार करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में कब भाग लिया। तो ध्यान से पढ़िएगा, भारत ने कब भाग लिया, जब ओलंपिक ने में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में कब भाग लिया, तो 1980 मास्को में भाग लिया, 1980 मास्को में भाग लिया। अब पूछेगा कि बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1936 बर्लिन जर्मनी में शामिल किया गया, और एशियाई खेलों में तो 1951 नई दिल्ली में, और भारत ने बास्केटबॉल में कब भाग लिया, तो मास्को 1980 में। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में कौन सा संघ ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यह कहता है विश्व एथलेटिक्स संघ यानी कि AAFI, जिसका फुल फॉर्म है एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इस यह AFI यानी कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वर्तमान में इसका नाम इंडियन क्या कहते हैं ओलंपिक AFI हो गया है, ओलंपिक एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, बैक स्ट्रोक का संबंध है। तो आपको पता है ये तैराकी से रिलेटेड है, तैराकी की तकनीक है बैक स्ट्रोक, यानी कि इसमें बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल आपका होता है, 4 शैलियाँ जिसमें से सबसे तेज शैली होती है फ्री स्टाइल। एंड क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 कहाँ पे है, 89 यहाँ पे है आपका, कि 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। तो आधा स्ट्रेगर, हाफ स्ट्रेगर दिया जाता है, जबकि 400 मीटर में क्या है, फुल स्ट्रेगर दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 90 है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी क्या कौन थे? तो पीके बनर्जी जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे, और जो है 1962 में तुलसी बलराम को दिया गया फुटबॉल में अर्जुन पुरस्कार, 1963 में चुन्नी गोस्वामी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 91 है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर बार, तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो एंड साइकोलॉजिकल हो और स्पिरिचुअल हो। एंड क्वेश्चन नंबर 92 है, आपको सही मिलान करना है, डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी। तो मैंने कई बार आपको बताया है जब डॉक्टर बीसी राय कहेगा तो आपका हो जाएगा फुटबॉल, बीसी गुप्ता कहेगा तो आपका हो जाएगा बास्केटबॉल। तो डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, लेरी रतन टाटा महिला हॉकी से रिलेटेड है, कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 है कि रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर होता है? तो दोस्तों शवासन होता है, इसको हम इसको मृत्यु आसन भी कहते हैं, ठीक है, इसको आराम आसन विश्राम आसन भी कहते हैं। तो यह आपका रक्तचाप उपचार के लिए सबसे बेस्ट होता है, एंड शवासन से नाड़ी संस्थान मजबूत होता है, उच्च रक्तचाप द्वारा दाब पर नियंत्रण करता है, मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी भी खेल में अधिकारी यानी रेफरीज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि खेलों के नियमों का सही से पालन के द्वारा संपन्न हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं। तो दोस्तों प्रतियोगिता में भी एक समाज से दूसरे समाज में संघर्ष, लोगों के बीच संघर्ष होता है, सहयोग में भी संघर्ष में भी, क्योंकि विनिमय में नहीं होता, ठीक है, बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव पड़ता है विनिमय में। क्वेश्चन नंबर 96 है, ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता? तो दोस्तों यह नीला पीला काला हरा लाल 5 रंग होते हैं, जबकि गुलाबी रंग इसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 97 है कि दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दूसरों की उपस्थिति के कारण जो सकारात्मक प्रभाव होता है उसे कहा जाता है सामाजिक सम्मान देना। क्वेश्चन नंबर 98 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य के 4 आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 भाग बताए थे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब चौथा भाग जुड़ गया है आध्यात्मिक, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 99 है कि डायनेमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप सबको पता है डायनेमोमीटर का प्रयोग शक्ति मापने के लिए यानी स्ट्रेंथ मापने के लिए किया जाता है, एंड गति जो है 100-200 मीटर दौड़, 50 मीटर डास, एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपका टीटी टेस्ट एंड रीच एंड रीच टेस्ट होता है, सीट एंड रीच टेस्ट, एंड एजिलिटी जो है जैसे कि आपका चपलता की सीमा पर जाता है, जो आपका शटल रन हो गया, ये सबसे चपलता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, शरीर की संरचना का अध्ययन है, तो बॉडी स्ट्रक्चर की बात आए हमेशा आपका एनाटॉमी होगा, शरीर रचना विज्ञान, एंड उसके फंक्शन की बात आए तो शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है कि जूडो के खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट क्या होता है? तो जूडो के खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट होता है क्या होता है? इप्पोन। इसमें यूको के लिए 5 अंक, ओजारी के लिए 7 अंक, एंड कोका के लिए 8 अंक, इपोन के लिए 10 अंक दिए जाते हैं, ये स्कोरिंग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको मिलान करना है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है, तो ए का हो जाएगा 2। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो लिएंडर पेस और महेश भूपति जो लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं को कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस, तो बी का 4 हो जाएगा। एंड पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है, सी का 3 हो जाएगा। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है, तो डी का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, बिना उद्देश्य का तो कोई भी काम नहीं होता है, तो उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। 104 है कि यह नरम उत्तक यानी कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कौन सा है? दोस्तों रगड़ है, मोच है, खिंचाव है, ये सभी जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, नरम उत्तक चोट है। नरम उत्तक चोट में टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशी की चोटें आती हैं।
एंड क्वेश्चन नंबर 105 है, इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। यह पनीर, सीरा, हरी फूलगोभी में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लंबा पूछा है, लेकिन कहने का इसका मतलब है कि इंसुलिन की हरकत को कौन उत्तेजित करता है। तो इंसुलिन को हरकत को उत्तेजित करता है क्रोमियम। कौन करता है? क्रोमियम जो है इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है। एंड क्रोमियम पाया किसमें जाता है? तो आपको दिया हुआ है ये पनीर, सीरा एंड हरी फूल गोभी में पाया जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, 106 है कि बैलिस्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण है बढ़ाने का। तो क्या बढ़ाने का दोस्तों? जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन बढ़ाने के लिए बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक, PNF मेथड होता है, जिसमें से आपका यहाँ पे लचीलापन आपका राइट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 107 है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग होता है किसमें होता है? डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग तो टेनिस में, लॉन टेनिस में होता है। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किसमें होता है? टेनिस में होता है। टेनिस में खिलाड़ी द्वारा पहली सर्विस गलत करने पर दूसरा अवसर दिया जाता है। अगर दूसरा भी गलत करता है जैसे डबल फॉल्ट कहा जाता है, तथा अंक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी को मतलब अपोजिट टीम को दे दिया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 108 है, डेकाथलॉन के खेल के अंतिम स्पर्धा क्या होती है? तो डेकाथलॉन खेल में अंतिम स्पर्धा क्या होती है? तो आपको जब सिक्वेंस बाय याद रहेगा तो भी आप दे पाएंगे। तो डेकाथलॉन जो है पुरुषों महिलाओं ओनली पुरुषों के लिए होता है और इसमें 10 इवेंट्स होते हैं, 4 ट्रैक, 6 फील्ड इवेंट होते हैं, और प्रथम दिन 5 इवेंट और दूसरे दिन 5 इवेंट। तो प्रथम दिन 5 इवेंट होता है। सीक्वेंस बाय आपको याद करने के लिए डेकाथलॉन वाला वीडियो देख लीजिए, एकदम ट्रिक के साथ बताया गया है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे प्रथम दिन 5 इवेंट्स होते हैं। पहला दिन सीक्वेंस बाय होता है 100 मीटर दौड़, लंबी कूद 60 फुट, ऊंची कूद 400 मीटर दौड़। फिर दूसरे दिन होता है 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर दौड़। तो यहाँ क्वेश्चन क्या किया है कि डेकाथलॉन के खेल के अंतिम स्पर्धा कौन होती है? तो 1500 मीटर दौड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1500 मीटर दौड़। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोच, खिंचाव और कंडरा की चोटों की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है? तो इसके लिए फर्स्ट एड यानी तुरंत देख, फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक उपचार यानी तुरंत प्रथम उपचार जो किया जाता है, सबसे पहले उपचार। तो इसमें RICE पद्धति अपनाई जाती है, RICE, जैसा कि R से मतलब रेस्ट, I से मतलब आइस यानी बर्फ का प्रयोग, C मतलब कंप्रेशन यानी दबाव डालना, E मतलब होता है इलेवेशन यानी कि ऊपर उठाना हृदय की ऊंचाई से। तो यहाँ पे आइस यानी कि बर्फ का प्रयोग करना सबसे फर्स्ट उपचार हो जाएगा, बर्फ की गठरी यानी पैक का प्रयोग करना, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, कूदते समय संपूर्ण टेक ऑफ के निम्नलिखित चरण होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपको छांटना है। तो यहाँ पे कूदते समय टेक ऑफ के निम्नलिखित चरण होते हैं, तो सबसे पहले आप खड़े होते हैं, एक पैर से जंप लेते हैं तो भूमि स्पर्श होता है, ठीक है, प्रथम स्थान पर। उसके बाद क्या होता है, एक स्पर्श करते हैं तो भूमि आपको जैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे लागू होता है, न्यूटन का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत लागू होता है। जब आप भूमि की तरफ दबाव डालते हैं तो भूमि आपको आपको ऊपर की तरफ फेंकता है, तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होगा। तो क्या होगा? धक्का देना, धक्का सहन करना आपका दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा बार क्या हो जाएगा, आप ऊपर की तरफ जब उठेंगे तो खिंचाव होगा, ठीक है, सक्रिय खिंचाव होगा। उसके बाद टेक ऑफ लेंगे, ठीक है, टेक ऑफ, चौथा स्थान पर टेक ऑफ, टेक ऑफ के बाद आप लैंड हो जाएंगे जमीन पर, ठीक है, तो ये सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, कर्णम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टर है किस प्रांत से संबंध रखती है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी महिला खिलाड़ी हैं और इन्हें 1995 में भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्न में से किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन जो मसल्स ग्रोथ यानी स्ट्रेंथ वाले चीजों में होता है, याद रखिएगा, जब भी स्ट्रेंथ शक्ति की बात आए तो वहां पे प्रोटीन
आपको आवश्यकता होगी। जब इंडोरेंस यानी सहनशीलता की बात आए तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। मसल्स बिल्ड करने के लिए, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डर फूड कहा जाता है प्रोटीन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर उत्तक चोट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खिंचाव, टेनिस एल्बो एंड मोच, ये तीनों की तीनों सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी कोमल उत्तक की चोट है, बट आपका कंधे का विस्थापन जो है, कंधे का जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, डिसलोकेशन है, ये आपका कठोर उत्तक चोट है। एंड क्वेश्चन नंबर 114 है कि ओलंपिक शपथ वर्ष ओलंपिया की खेलों में पहली बार कब शुरू किया गया। तो दोस्तों ओलंपिक शपथ जो है 1920 एंटवर्प ओलंपिक से शुरू किया गया। ओलंपिक शपथ और जो हमारा ओलंपिक झंडा प्रतीक चिन्ह होता है वो, ये दोनों चीजें आपका 1920 एंटवर्प ओलंपिक से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्न से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा था। तो वो थे जॉन एच फिनले। कौन थे? जॉन एच फिनले। एंड क्वेश्चन नंबर 116 है कि सबसे अच्छा अध्यापन ढंग क्या है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोनों तरफ सक्रियता, ठीक है। छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहेंगे तब अध्यापन हो पाएगा, मतलब शिक्षक केवल नहीं पढ़ाता रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा जब बच्चे नहीं सक्रिय रहेंगे, यानी दोनों का सक्रिय होना आपका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो प्रतिभा खोज के लिए खेलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है मोटर गुणवत्ता। क्या होता है? मोटर गुणवत्ता। यहाँ पे मोटर से तात्पर्य है मोटर न्यूरॉन से है, ठीक है। जो हमारे देखिए एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, नाक त्वचा कान और जीभ, इन सब के माध्यम से जो संदेश होते हैं और उन सब को मस्तिष्क की तरफ, ब्रेन की तरफ ले जाता है, क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी आपका जो न्यूरॉन होता है, और जो उसका जवाब देता है उसके अनुसार हमारे अंगों तक पहुंचाता है मोटर नर्व। तो यहाँ पे मोटर से तात्पर्य होता है मोटर न्यूरॉन से, जो कि मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के लिए प्रयुक्त नाम है, जिनकी सहायता से मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों के बीच परस्पर संदेशों का तालमेल होता है। अतः मोटर गुणवत्ता जितनी ही अच्छी होगी, व्यक्ति द्वारा खेलों में प्रदर्शन चुस्ती फुर्ती सजगता की अधिकता उतनी ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग की खोज किया था एडमसन एंड मॉर्गन ने। किसने किया था? एडमसन एंड मॉर्गन ने 1957 में, ठीक है। और यह स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो वो है आपके तैराकी में, स्विमिंग में माइकल फेल्स। दोस्तों माइकल फेल्स ने अभी तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ा है। इन्होंने कुल 28 मेडल प्राप्त किए हैं, ये अमेरिका के हैं, और इन्होंने 28 मेडल यानी कि 23 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रांज मेडल जीते हैं, जिसमें से 2004 एथेंस ओलंपिक में इन्होंने 8 पदक जीता, इसमें से 6 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीता, और 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक में इन्होंने 8 पदक जीता, 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। इसके पहले 7 स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड बनाए थे मार्क स्पीड्स ने, उनके रिकॉर्ड को माइकल फेल्प्स ने तोड़ा है। 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने 6 पदक जीता, जिसमें 4 स्वर्ण 2 रजत पदक, और 2016 को रियो ओलंपिक में इन्होंने 6 पदक जीता, जिसमें 5 स्वर्ण 1 रजत। इस प्रकार 28 मेडल ओलंपिक में जीते हुए हैं, तैराकी में 23 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है। तो दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
यानी वृद्धि और विकास। वृद्धि हमेशा लंबाई, वजन यानी आकार आकृति में परिवर्तन होता है जिसे मापा जा सकता है, और जो विकास होता है उसमें उसको मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलता है जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलता है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लंबाई और वजन में परिवर्तन जो है वृद्धि को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हैंडबॉल एंड वाटर पोलो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 123 है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की यानी चेहरे की कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं। हमारे खोपड़े में कुछ 29 हड्डियां होती हैं जिसमें से क्रेनियल बोन 8 होती हैं, चेहरे की 14 होती हैं, कान में 6 होती हैं, कंठ यानी हार्ट में 1 होती है, कुल 29। क्वेश्चन नंबर 124 है, हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा कि पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी जो है डी एरिया से बाहर खड़े होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 125 है कि पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो किक शब्द आते ही जान लीजिए ये पैर से मारा जाता है और ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, पेनाल्टी किक, कॉर्नर किक, ये सभी चीजें क्या है? फुटबॉल से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज के सेशन में ये प्रैक्टिस नंबर 2 था जिसमें 125 क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस किया। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।